नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वार्म हेलो टू एवरीबॉडी। किसी ने कहा है कि ऊंचे पेड़ के नीचे पेड़ नहीं उगते। जिसने भी कहा है उसने शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री की कपूर फैमिली नहीं देखी, जहां एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन और दूसरी जनरेशन के बाद तीसरी जनरेशन, एक बरगद के नीचे दूसरा बरगद उगता ही रहता है। अब देखिए, एक बरगद है हमारे दोस्त ऋषि कपूर, उनके साए में अब दूसरा बरगद रणबीर कपूर बड़ी तेजी से एक घना पेड़ होता चला जा रहा है। लेकिन आज मैं इस रणबीर कपूर की बात नहीं कर रहा हूं, आज हम बात करेंगे रणबीर राज कपूर, जिसे दुनिया राज कपूर या आवारा और श्री 420 के नाम से जानती है। मेरा नाम जमुना नहीं है जी, राजू है। आवारा हूं, आवारा हूं। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। राज कपूर पिशावर में, पिशावर सब हिंदुस्तान में ही हुआ करता था, जन्मे थे 1924 में 14 दिसंबर को, बहुत बड़े स्टार के घर में। लेकिन ये स्टार सन वो था जिसे कामयाबी, शोहरत, स्टारडम थाली में सजा के नहीं दे दी गई। फिल्म इंडस्ट्री बहुत कम उम्र में ज्वाइन की, असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से केदार शर्मा के साथ मेहनत करते रहे। और एक दिन केदार शर्मा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने असिस्टेंट को हीरो बना दूं, इसमें वो तमाम गुण जो एक हीरो में होने चाहिए। एक फिल्म उन्होंने शुरू की नीलकमल। नीलकमल में हीरोइन एक 14 साल की नई लड़की ली गई, जिसने बच्चों के रोल किए हुए थे, पहली बार हीरोइन का रोल कर रही थी। उस लड़की का नाम था मधुबाला। राज कपूर और मधुबाला के साथ नीलकमल बनी, कामयाब हुई, लोगों को राज कपूर अच्छे लगे। लेकिन 24 बरस की उम्र में उन्होंने अपना आरके फिल्म्स शुरू किया प्रोडक्शन। जब वो डायरेक्टर बने तो वो फिल्म इंडस्ट्री के यंगेस्ट डायरेक्टर थे। उन्होंने पहली पिक्चर बनाई आग। आग में हीरोइन थी नरगिस। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी फिर बहुत सी फिल्में में आई और उन्होंने बड़ी बेमिसाल फिल्में दी। ठीक था, कोशिश करो जब तुम स्टेज पर पहुंचो तो अपने आप को भूल जाओ। छोड़िए भी इन बातों को। अच्छा तो वो कुछ खबरी क्या है? कभी आग के बाद जो मैं ड्रामा खेलूंगा उसका नाम होगा निम्मी। लेकिन वो खुशखबरी क्या है? ये खुशखबरी नहीं, मैं तो कुछ और ही समझी थी। क्या समझी थी? अच्छा फिर बताओ। राज साहब के ज्यादातर गाने मुकेश जी ने ही गाए हैं, कुछ मन्ना डे ने भी गाए हैं, लेकिन ज्यादातर गाने आप मुकेश जी ही की आवाज में सुनेंगे। राज कपूर और मुकेश, मुकेश और राज कपूर, हमारे जहन में कुछ गड़बड़ हो गए हैं। 1976 में जब मुकेश जी की डेथ हुई तो राज साहब ने कहा कि आज मेरी आवाज़ हमेशा के लिए खो गई है। और हमें भी लगा कि हाँ, मुकेश जी की आवाज़ राज जी की आवाज़ थी। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। आग के बाद जो दूसरी फिल्म उन्होंने बनाई वो थी बरसात। बरसात के बनते ही ऐसा लगा जैसे उन पे तारीफों की बरसात होने लगी। इस फिल्म में उन्होंने नरगिस को भी लिया था और साथ में निम्मी को भी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर बिल्कुल नए थे। ये एक 23-24 साल का लड़का और एक 19 साल का लड़का, जो पृथ्वी थिएटर में, जो उनके फादर की थिएट्रिकल कंपनी थी, उसमें काम करते थे। लेकिन दोनों कमाल के टैलेंटेड लोग थे। कहते हैं कि हीरे को या तो जौहरी पहचानता है या राजा। अब यहाँ तो राज कपूर जौहरी भी थे और राजा भी, तो कैसे ना पहचानते इन दो हीरो को। और उन्होंने इनकी टीम बनाई। शंकर जयकिशन ने जिंदगी में पहली बार फिल्म में म्यूजिक दी, बेहद कामयाब हुई म्यूजिक। इतने बरस हो चुके हैं लेकिन आज तक हमें हवा में उड़ता जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का या बरसात में तुमसे मिले हम, सारे ही गाने याद हैं।
पिक्चर साइन की बाहर ये फिल्म भी लाफानी हो गई और आज तक लोगों की यादों में है, इसलिए कि इस फिल्म की कास्ट ही ऐसी थी कि फिर ये दोबारा कभी आ नहीं सकी। दिलीप कुमार, राज कपूर, नरगिस, फिल्म बनाई थी महबूब साहब। ये दोनों की जो जुगलबंदी है और जो उसमें एक्टिंग है वो देखने से ताल्लुक रखती है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि तीनों एक मतलब खत में लिखा था कि मिस्टर दिलीप पियानो बड़ा उम्दा बजाते हैं, हंसतों को रुला देते हैं और रोतों को हंसा देते हैं। आइए मिस्टर दिलीप, आज हमें भी अपनी कलाकारी दिखाइए। आज कुछ मूड नहीं है। आपने भी वही गवैयों के नखरे शुरू कर दिए। मूड नहीं है, आवाज बैठी है, गला सीला है। साहब हम तो आज ही सुनेंगे। बैठिए बैठिए, नीना जरा सिफारिश कर दो। गा दीजिए ना। क्या गा? हम तो मोहब्बत का गीत सुनना चाहते हैं, चाहे वो दीपक हो, मल्हार हो, खमाज हो, ख्याल हो, मियाँ की तोड़ी हो, काल का बिंदा का तोड़ा हो, कुछ भी हो, अगर हो मोहब्बत का। चलिए बैठिए, खाइए। दोनों अपने वक्त के बेहद कामयाब एक्टर्स थे, दोनों एक तरह से देखिए तो कंपटीटर्स थे और बचपन के दोस्त, लेकिन इनका रिश्ता बड़ा दिलचस्प है। मुझे ऋषि कपूर, जो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने कई फिल्मों में काम किया है, उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया। कहने लगे कि जब मैं प्रेम रोग में काम कर रहा था तो बॉबी को बने 10 साल हो चुके थे, बहुत पिक्चरों में मैंने काम कर लिया था, तजुर्बा हो गया था मुझे, लेकिन मेरे फादर यानी राज साहब खुश नहीं होते थे मेरे रोमांटिक सीन से। कहते नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया, और कहते थे चिंटू तुमने यूसुफ को नहीं देखा है कैसे करता है इस तरह के सीन। यूसुफ मतलब दिलीप साहब, उसकी आंखों में जो गहराई है, उसकी आवाज में जो दर्द है, उसके चेहरे पे जो इंटेंसिटी है, सीखो उससे। अब आप देखिए कि जो कंटेम्प्रेरी है, जो एक तरह से कंपटीटर भी है, उसके बारे में राज साहब इस तरह से बात कर रहे हैं। और ये मोहब्बत और ये एडमिरेशन म्यूचुअल था, इसलिए कि एक मरतबा मैंने दिलीप साहब से सुना है, अंदाज का जिक्र कर रहे थे, कहने लगे कि भाई हम तो बड़ा कॉन्सेंट्रेट करते थे अपने काम पर, बड़ी मेहनत से काम करने की कोशिश करते थे, डायलॉग ले जाता था मैं, याद करता था, सोचता था इस सीन को कैसे करूं, बड़ा तैयार होके आता था, और ये राज ये शूटिंग कर रहा होता था, बरसात की रात भर शूटिंग करके आता था और आके मेकअप रूम में सो जाता। जब राज का शॉट तैयार होता था तो जगाया जाता था उनको, मुंह धोते थे जल्दी से, मेकअप करके सेट पे आते थे और पूछते थे हाँ भाई डायलॉग दे दो, क्या सीन है बताओ, अभी बोलता हूँ। इस तरह से राज कपूर ने उस फिल्म में एक्टिंग की। दिलीप साहब ने कहा कि देखो क्या काम किया है, कोई करके दिखाया ऐसे। ये जो म्यूचुअल एडमिरेशन है कंपटीटर्स का, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है। रिश्तों की ये खूबसूरती पता नहीं आज है या नहीं है, कि जहां अगर आप अपने दोस्त से या कंपटीटर से हार भी गए तो उस हार का भी जश्न मनाएं और उस पर भी गाएं। आज किसी की हार हुई है या किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। क्लासिक लेजेंड्स में एक बार फिर आपका स्वागत। 1951 में राज कपूर की शाहकार फिल्म आवारा रिलीज हुई। आवारा उर्दू शायरी में खुशबू को आवारा भी कहते हैं, तो अगर खुशबू को आवारा कहा जा सकता है तो मैं इजाज़त चाहूँगा कि इस आवारा को मैं खुशबू कहूँ। वाकई इस आवारा की खुशबू हिंदुस्तान की सरहदों से आगे निकल के ईस्टर्न यूरोप और सोवियत यूनियन तक पहुँच गई। पूरे ईस्टर्न यूरोप में, रूस में, सोवियत यूनियन में लोग राज कपूर के दीवाने हो गए। आवारा हूँ गाते रहे। आवारा हूं, आवारा हूं, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। शबाना ने मुझे बताया था कि आवारा रिलीज होने के कोई 35-36 साल के बाद, और शायद उससे भी ज्यादा, ये लोग एक फिल्म डेलीगेशन में मॉस्को गए थे, कहीं पार्टी में गए, बाहर निकले
तो मालूम हुआ कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं है और बसें वसे बंद हो चुकी हैं, गाड़ियां कोई है नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा होटल वापस कैसे जाएं। इतने में खाली बस चली आ रही थी तो इनके इंटरप्रेटर ने रोका उस रूसी बस वाले को और रूसी जबान में उसे कहा कि भाई ये लोग हैं कोई, इनको ज़रा छोड़ दो वहाँ होटल तक। उन्होंने कहा कि साहब इनका होटल इधर है, मैं उधर जा रहा हूँ और मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, मैं भी उल्टा पलट के इतने मील वापस नहीं जाने वाला। ये जो खड़े थे फिल्म डेलीगेशन के हिंदुस्तानी, ये सब आवारा हूँ गाने लगे और मेरा जूता है जापानी गाने लगे। तो वो चौंका, कहने लगा ये गाना कैसे आता है? लोग कहने वहीं से तो आए हैं, ये राज कपूर की फिल्म इंडस्ट्री के हैं। कहने ऐसी बात है तो चलो बैठ जाओ, और उसने बस घुमाई और इन्हें वापस छोड़ दिया। ये मकबूलियत थी राज कपूर की। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। आवारा लिखी थी के अब्बास। के अब्बास और राज कपूर की जोड़ी बड़ी खतरनाक भी थी और बड़ी खूबसूरत। होता यह था कि फिल्म में एक अजीब तरह का फ्यूजन पैदा हो जाता था, वो श्री 420 हो क्या वारा हो। एक तरफ के अब्बास की सोशल कॉन्शियसनेस, दूसरी तरफ राज कपूर की रोमांटिक अप्रोच, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते थे। तो होता यह था कि रोमांस में सोशल कॉन्शियसनेस की गहराई और ऊंचाई आ जाती थी और सोशल कॉन्शियसनेस में रोमांस का रस, रंग और खुशबू, और मिलके एक अजीब किस्सा बन जाता। ए, कहां चले आ रहे हो? जानते नहीं जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तो वहां शरीफ आदमी नहीं आया करते। जी नहीं, मैं क्या जानू। मैं शरीफ नहीं हूं ना। जंगली। इन्होंने जब भी साथ में काम किया है बहुत ही कामयाब काम किया। इसके बाद राज साहब ने आग बनाई, आग के बाद श्री 420 बनाई, जो कि मेरी फेवरेट फिल्म है। हालांकि आवारा का नाम पहले लिया जाता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि तुम्हारी फेवरेट राज कपूर फिल्म कौन है तो मैं श्री 420 का नाम लूंगा। देख मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। देखे मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। 420 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि राज साहब एक ऐसी बुलंदी पे पहुंच गए कि उनको ऐसा लगा कि अब उनका फर्ज बनता है कि जरा हाथ झुका के कुछ लोगों को ऊपर खींचे। तो उन्होंने कई फिल्में बनाई अगले चंद बरसों में जो उन्होंने प्रोड्यूस तो की लेकिन डायरेक्ट नहीं की और दूसरों को मौका दिया। जागते रहो, अब दिल्ली दूर नहीं, और बूट पॉलिश, ये बहुत अच्छी फिल्में थी। कुछ बहुत कामयाब हुई, कुछ इतनी कामयाब नहीं हुई, ठीक चली। लेकिन इन फिल्मों में एक बात कॉमन थी, इनमें म्यूजिक बहुत अच्छी थी। और उसकी वजह यह थी कि राज साहब अगर फिल्म डायरेक्ट ना कर रहे हों, सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हों, या फिल्म में काम कर रहे हों किसी बाहर की फिल्म में, वो डायरेक्टर के काम में कभी दखल नहीं देते थे। लेकिन हाँ, जो उनका अपना प्रोडक्शन था उसमें म्यूजिक जो है
उस पे ध्यान उनका जरूर रहता है। नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। और आप ये देखेंगे कि वो पिक्चरें जो ज्यादा नहीं भी चली तो उनकी म्यूजिक आपको आज तक याद है और गाने उसके कामयाब है हर फिल्म के। मुझे ऐसा लगता है कि राज साहब अगर एक्टर ना होते, डायरेक्टर ना होते, प्रोड्यूसर ना होते तो म्यूजिशियन होते। बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे इस मामले में भी। आप उन्हें दुनिया का कोई साज दे दीजिए जिसे उन्हें पहले देखा भी ना हो, इधर उधर से देखेंगे टोंग टांग टिंग कैसे होता है भाई, ये कैसे बजाते हैं, ये कैसे होता है, और आधे घंटे 45 मिनट में उसे बजाने लगते थे। ये एक नेचुरल टैलेंट था उनका। अगर आप उनकी फिल्में भी देखेंगे तो जब भी उन्होंने अपनी फिल्म में कोई साज बजाया है, वो वायलिन हो, वो दफ हो, वो ढोलक हो, कोई भी साज हो, आपको ऐसा लगेगा कि वो सचमुच इस साज को बजा रहे हैं। और मैं कहूंगा कि ये टैलेंट वैसे उनके बेटे ऋषि कपूर में भी आया है। सरगम में जब ऋषि कपूर ने दफ बजाया है तो वाकई ऐसा लगता है कि ये दफ बजा रहा है। दिनों में राज साहब ने एक और फिल्म में काम किया, चोरी चोरी। चोरी चोरी अगर एक तरह से देखिए तो एक बहुत लंबे और बहुत खूबसूरत चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ था। यह फिल्म राज कपूर और नरगिस की आखिरी फिल्म बहुत कामयाब रही। इसका म्यूजिक भी बड़ा पॉपुलर हुआ, परफॉर्मेंसेस भी बहुत अप्रिशिएट हुए। राज साहब अपनी एक फिल्म डायरेक्ट करने और दूसरी फिल्म डायरेक्ट करने के बीच में जो वक्त होता था उसमें बाहर की भी कई फिल्में करते रहते थे, और इस बार जो उन्होंने फिल्में की उनमें नरगिस जी नहीं थी। मैं तीन फिल्मों का जिक्र खास तौर से करना चाहूँगा, शारदा, अनाड़ी और परवरिश। परवरिश में हीरोइन थी माला सिन्हा, शारदा में मीना कुमारी और अनाड़ी में नूतन जी। अनाड़ी में राज साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। लेकिन शारदा की जो कहानी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। शारदा में मीना जी हीरोइन थी, इन दोनों का रोमांस है। राज साहब कहीं चले जाते हैं और लोग समझते हैं कि शायद वो जहाज डूब गया जिसमें होते, और हालात कुछ ऐसे होते हैं कि मीना कुमारी की शादी राज कपूर के बाप से हो जाती है। और जब हमारा हीरो वापस आता है तो मालूम होता है कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था वो तो अब उसके बाप की बीवी है, यानी सौतेली माँ। ये बड़ी कुछ अजीब खतरनाक कहानी है, लेकिन जिस तरह से ये बनाई गई थी और जिस तरह से परफॉर्मेंस दिए थे इन लोगों ने, ये बहुत कामयाब पिक्चर। मैं कितनी खुश हूँ शेखर, भगवान की कृपा से तुम जिंदा लौट आए। इसे तो अच्छा होता कि मैं मर जाता। ऐसा ना कहो शेखर, ऐसा ना कहो। तो क्या कहूँ, बधाई हो, मुझे बहुत खुशी है तुम्हारी मांग में सिंदूर देखकर। मैं पूछता हूँ तुमसे 4 दिन इंतजार ना हो सका, दुल्हन बनने का बहुत शौक था तुम्हें। इन फिल्मों के बाद जो फिल्म खुद राज साहब ने डायरेक्ट की
वो थी जिस देश में गंगा बहती है। उस जमाने में आचार्य विनोबा भावे चंबल के डाकुओं से सरेंडर करा रहे थे, उन्हें शांति का उपदेश दे रहे थे, और मुझे लगता है विनोबा भावे का जो मोमेंट था यही राज कपूर का इंस्पिरेशन बना और उन्होंने इसी थीम पे एक फिल्म बनाई। इधर देख, ये जितनी औरतें हैं, ये तेरी माताएं बहनें, ये बच्चे तेरे भाई भतीजे हैं, इनके दिल की पुकार सुन राका, ये तेरे अपने हैं, इनके खातिर अपने हाथ रोक ले और हथियार फेंक दे, तुम सब अपने हथियार फेंक दो। चारों तरफ जो फौजी रैपले और गन मशीनें आ गई हैं, इन्हें रोकने का बस एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, और वो प्यार का रास्ता। इस फिल्म में जो डकैत बने थे वो थे प्राण साहब। प्राण साहब शूटिंग में मेकअप करके सेट पे आए, पहले दिन राज साहब ने उन्हें देखा और कुछ गेटअप से खुश नहीं हुए, उन्हें लगा कि कुछ कमी है, क्या कमी है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो इफेक्ट चाहिए वो है नहीं। अब आप देखिए राज कपूर का जहन और उस डायरेक्टर का कमाल। कहने लगे, याद है कई बरसों पहले हम एक पिक्चर बनाने वाले थे नरगिस जी के साथ, अजंता, उसके लिए उनकी एक विग बनाई गई थी, जरा देखो कहीं कॉस्ट्यूम रूम में होगी। तो विग लाई गई, उनका ये विग में जरा सा यहां से चेंज करो, ये काटो, ये ऐसा करो, ये प्राण साहब को पहना दो। प्राण साहब को वो विग पहना दी गई जो एक किसी हीरोइन के लिए बनी थी एक फिल्म के लिए, और वो विग पहन के प्राण साहब एक खतरनाक डाकू लगने लगे। अब ये देखिए राज कपूर के इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन का कमाल। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपका भोला भाला मेहमान शादी की धूमधाम में खो जाएगा और हम सब एक दुल्हन के गले से हार और मंगलसूत्र उतारने के लिए अपनी जानों से खेल जाएंगे। समझा, लेकिन याद रखना मैंने राजू का नमक खाया है और उसकी सलामती का जिम्मेदार मैं हूं। फिक्र रहिए सरदार। मैंने राज साहब की डायरेक्ट की हुई फिल्म में एक बात नोट की है कि हालांकि वो खुद हीरो थे, लेकिन जब वो फिल्म बनाते थे तो मुझे ऐसा महसूस होता है हमेशा कि वो अपना ध्यान कम रखते थे और हीरोइन के प्रेजेंटेशन पे, उसकी लुक पे, उसके परफॉर्मेंस पे उनका ध्यान ज्यादा होता। और यही वजह है कि कोई भी हीरोइन जो कितनी भी कामयाब रही हो, जब राज कपूर की फिल्म में आई है तो कुछ और ही दिखी। पद्मनी जी, उनके हुस्न से कौन इनकार कर सकता है, लेकिन जैसी वो जिस देश में गंगा बहती है में लगी, ना पहले लगी थी ना उसके बाद, क्या काम किया उन्होंने, क्या परफॉर्मेंस है उनका, और क्या लुक्स और क्या स्टाइल है उसकी। बंदूक तपंचे हम दुनिया के भले के लिए चलाती हैं। दुनिया के भले के लिए? हाँ, अमीर गरीब को बराबर करने के लिए। अमीर गरीब बराबर? ये बात जरा खोल के समझा सकती हो? हाँ, इस दुनिया में गरीब का जीना मुश्किल है कि नहीं? गरीब बेचारे की तो मिट्टी ही खराब है जी। और उसी गरीब को लूट लूट कर अमीर अपनी तिजोरियां भरते हैं कि नहीं? चौकस भरते हैं। तो फिर गुरुजी हमें पहचानने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है आपको? हम वो हैं जो अमीर को थोड़ा सा गरीब और गरीब को थोड़ा सा अमीर करते, हम दुनिया बराबर करते हैं, समझे? जिस देश में गंगा बहती है की एक अहमियत ये भी है कि ये राज साहब की जिंदगी की आखिरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। इसके बाद राज साहब ने जो फिल्में बनाई वो रंगीन थी, और राज साहब की जिंदगी की रंगीन कहानी और भी रंगीन हो गई। संगम एक बहुत ही कामयाब फिल्म थी, लव ट्रायंगल था, दो लड़के एक लड़की। राज साहब चाह रहे थे कि अंदाज की तरह फिर दिलीप कुमार और राज कपूर एक साथ आए, बातचीत भी हुई लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं पाया किसी वजह से, और आखिर में दूसरे रोल के लिए उन्होंने उस वक्त के एक बहुत ही कामयाब एक्टर राजेंद्र कुमार को ले लिया। हीरोइन थी विजयंतीमाला, जिन्होंने इस फिल्म में बहुत ही लाजवाब काम किया। इस फिल्म के बारे में आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा जो आमतौर से नहीं कही जाती है। इसमें जो गाने राज साहब ने गाए हैं वो सिवाय एक गाने के हर गाना एक जगह खड़े होके या बैठ के गाया। आजकल तो आप देखते हैं गाने
तो हीरो हीरोइन कहीं एरोबिक्स कर रहे हैं, कहीं जिम्नास्टिक कर रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं, कहीं फांद रहे हैं, ठहराव नहीं रहा है। यहाँ पर राज साहब, पहला गाना था बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, पूरे का पूरा पेड़ की एक शाख पे बैठे हुए वहीं बैठ के गाया। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। एक गाना था ओ महबूबा, वो बोट में खड़े हुए, बस वहीं खड़े हैं, पूरा गाना उसी में। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। एक गाना था दोस्त दोस्त ना रहा, वो पूरे का पूरा गाना पियानो पे ही बैठ के गाया गया। राज कपूर को इतना जरूरत नहीं पड़ती थी, उनके चेहरे पे जो मोबिलिटी थी, जो रंग आते थे जाते थे, जो एक्सप्रेशन आते थे जाते थे, वही एक जिंदगी का डांस बन जाता। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अब एक और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी फिर सुबह होगी, उसका एक बड़ा मशहूर गाना है, साहिर का लिखा हुआ, खय्याम का कंपोज किया हुआ, वो सुबह कभी तो आएगी। उसमें एक बंद है और काफ़ी लंबी लाइंस हैं कि जहां राज साहब बैठे हुए हैं, माला सिन्हा उनकी आम में है और वो हवा में आसमान की तरफ देख रहा है और खामोशी से बस एक लुक है और वो गाना गा रहा है। आप वो गाना देखिए कि किस तरह से बगैर हिले हुए, बगैर कोई मूवमेंट के, किस तरह से उन्होंने वो गाना, ये कमाल था। ओ सुबह कभी तो आएगी, ओ सुबह कभी तो आएगी। ऐसा नहीं है कि ये काम किसी मजबूरी की वजह से किया जाता था। राज साहब वाज अ वेरी गुड डांसर। मैं एक आपको पिक्चर की मिसाल दूंगा, एक दिल और सौ अफसाने एक फिल्म थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, वहीदा जी के साथ उन्होंने की थी। उसमें एक गाना है जो थोड़ा सा क्लासिकल बेस था और उसमें वहीदा जी इंटरलूड म्यूजिक में कथक करती हैं, राज साहब उनके साथ कथक करते हैं। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि आपकी नज़र राज कपूर से हटेगी। एक और पिक्चर श्री 420 में एक गाना था, दिल का हाल सुने दिलवाला। आज जैसे वो राज कपूर ने गाया, उसे देखने के बाद कोई उस तरह से परफॉर्म करके बता दे। बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, हाय ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। राज साहब की अगली फिल्म थी मेरा नाम जोकर। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में गलतियां तो सबसे ही होती हैं, लेकिन बड़ी गलती तो बड़ा ही आदमी कर सकता है, छोटा आदमी बड़ी गलती कैसे करेगा। पिक्चर नाकाम हुई, संगम और जिस देश में गंगा बहती है जितनी कामयाब हुई थी, ये पिक्चर उतनी ही नाकाम हुई। राज कपूर का स्टूडियो भी मैंने सुना है उस वक्त गिरवी हो चुका था। कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरू पिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यही नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बड़ा आदमी अगर ज़रा से भी प्रॉब्लम में आए, ज़रा सी मुश्किल में आए, ज़रा सा हिले, तो लोग
उस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, दुश्मनी करके नहीं बल्कि दोस्ती करके, हमदर्दी जता के उसे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त का शायद कोई हीरो नहीं था जो राज साहब के पास नहीं गया और उसने अपने आप को ऑफर नहीं किया कि मैं आपके साथ काम करता हूं, मैं हूं, बगैर पैसे के आपके साथ काम करूंगा। लेकिन असली पहचान तो आदमी की मुश्किल में ही होती है। इस वक्त अगर राज साहब चाहते तो कोई भी स्टार उनके साथ काम कर सकता था, लेकिन उन्हें अपने आप पे भी कुछ साबित करना था और दुनिया को भी बताना था कि राज कपूर है कौन। उन्होंने तय किया कि मैं एक नए लड़के और नई लड़की के साथ फिल्म बनाऊंगा, और बनाई। ऋषि कपूर जो उनके अपने बेटे थे और डिंपल कपाड़िया बॉबी बनी, सुपर डुपर हिट फिल्म हुई। उस वक्त तक सबसे बड़ी हिट फिल्म जो थी वो थी जॉनी मेरा नाम। पर टेरिटरी उस पिक्चर ने शायद 50 लाख का बिजनेस किया था। जो ये फिल्म थी बॉबी, उसने जॉनी मेरा नाम का डबल बिजनेस किया। फिल्म इंडस्ट्री हैरान हो गई और अब बताया राज कपूर ने कि मैं कौन। बोलो। बोलो ना। आप यहां? मैं अब कहां होंगी? मगर तुम? जी वो आंटी यही रहती है। मुझे याद है हमारी बहुत सी सलीम जावेद की कामयाब फिल्में थीं, एक के बाद 12-13 फिल्में, जुबली और गोल्डन जुबली फिल्में थीं। उसके बाद हमारी एक फिल्म आई ईमान धर्म जो फेल हो गई। इसके कुछ अरसे के बाद पूना में एक होटल में पार्टी थी, राज साहब भी वहाँ थे, हम लोग एक ही टेबल पर बैठे थे। इधर उधर की बातें हो रही थी, अचानक को मेरी तरफ पलटे और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पता चला है कि आपकी आखिरी पिक्चर अच्छी नहीं गई है, और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि बहुत से लोग बहुत खुश हैं। ये खुशी मैं पहले देख चुका हूँ जब मेरा नाम जोकर फेल हुई थी। लेकिन आप गम ना कीजिएगा और अब फिक्र ना कीजिएगा, आप कहीं जाने वाले नहीं हैं, इसलिए कि आप अपना काम जानते हैं। मैं अपना काम जानता हूँ नहीं जानता हूँ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन राज साहब अपना काम जानते थे। एक वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारी एक फिल्म थी अर्जुन, वो मुकम्मल हुई। चूंकि राहुल रवेल राज साहब के असिस्टेंट भी रहे और उन्हें अपना गुरु मानते थे, तो प्रिंट लेके गए राज साहब को दिखाने के लिए। राज साहब ने फिल्म देखी, बहुत पसंद आई और कहने भाई तुमने बहुत अच्छा शूट किया, और ख़ासतौर से वो केस जो है जो तुमने फ्लोरा फाउंटेन के एरिया में लिए है, कमाल कर दिया, बहुत अच्छी तरह से। तो उन्होंने राहुल ने कहा कि जी सर वो हम 8 कैमरा लेके गए थे इसकी शूटिंग करने के लिए। तो राज साहब ने कहा 8 कैमरा, मगर चेज में तो एंगल तो 7 ही हैं। तो ये हैरान रह गया और राहुल ने कहा आप सही कह रहे हैं, इसलिए कि हमारा एक कैमरा चला नहीं था। आप जरा सोचिए, किसी को कहें तो मानने वाली बात नहीं लगती कि एक आदमी ने एक फिल्म एक बार देखी है और वो देख के एक एक्शन सीन में बताता है कि 7 एंगल थे। ये कैसा कमाल, मतलब ये सिर्फ एक जीनियस कर सकता है। तो राज कपूर ने किया ही। एक आदमी जितनी एक्टिंग करता है उसे कैमरा की एक्टिंग की उतनी एक्सपीरियंस होता है, उतनी ईज आ जाती है, उसे तजुर्बा हो जाता है। एक आदमी जितने गाने गाता है उसे उतना रियाज हो जाता है, वो और बेहतर गा सकता है। लेकिन डायरेक्टर और राइटर जितना काम करते हैं उतने खाली होते जाते हैं, इसलिए कि उन्हें तो कोई नई बात ला के कहनी होती है ना, और नई तरह से कहनी होती है। उनकी अगली पिक्चर थी सत्यम शिवम सुंदरम, वो बार कुछ हल्का पड़ा, लेकिन उसके बाद प्रेम रोग जो उन्होंने फिर ऋषि कपूर के साथ बनाई थी, बेपनाह कामयाब। उसके बाद अपने छोटे बेटे राजीव कपूर के साथ उन्होंने बनाई राम तेरी गंगा मैली, और उसमें भी नई लड़की हीरोइन थी, बेहद कामयाब।
बड़ा मुश्किल काम है कि आप राइटिंग में या डायरेक्शन में बरसों एक जगह टिक सके। राज कपूर ने करके दिखाया, चार डिकेड वो डायरेक्टर, वो फिल्म मेकर अपनी जगह पे था। और वो जगह कहाँ, बिल्कुल टॉप पे। वहाँ इतनी देर टिक के रहना किसी डायरेक्टर के लिए मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात। उनके जहन ने, उनके टैलेंट ने उनका साथ नहीं छोड़ा, सेहत ने उनका साथ छोड़ दिया था। जब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, दिल्ली गए, पहली रो में बैठे थे, जब उनका नाम अनाउंस होता तो होना ये था कि वो स्टेज पे जाते और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपना अवार्ड लेते, लेकिन उस वक्त तक वो इतने बीमार हो गए थे और उनकी सांस का इतना प्रॉब्लम था कि वो उठ नहीं पा रहे थे कुर्सी से, और तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेज से नीचे आए और उन्होंने आके वो अवार्ड राज कपूर को उनकी कुर्सी पे दिया। एक एक्टर, एक फिल्म मेकर, एक क्रिएटिव इंसान जिसकी सारी जिंदगी एक खूबसूरत कहानी की तरह, एक ड्रामेटिक स्टोरी की तरह गई है। उसका आखिरी सीन भी ड्रामेटिक ही था। यहीं से वो हॉस्पिटल गए, दिल्ली में ही हॉस्पिटल में थे उन दिनों, मैं और शबाना दिल्ली में थे, हम दोनों उन्हें देखने भी गए। कृष्णा जी थी वहाँ, उनकी बड़ी बेटी रीटा थी वहाँ। मैं अंदर गया तो सब मशीनें लगी थी, एंड ही वॉज नॉट कॉन्शियस। बहुत देर तक खड़े होकर मैं चुपचाप उन्हें देखता ही रहा, ये वो आदमी है जिसने क्या क्या फिल्में बनाई हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है हिंदी फिल्म में। मैंने उनके पैर छुए वहाँ और बाहर आ गया। कुछ दिनों बाद वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे उनका वो सीन याद आता है जो मेरा नाम जोकर का आखिरी सीन था, जहाँ जोकर पुकार के कहता है कि जाइएगा नहीं कहीं, ये मध्यांतर है, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और वाकई अगर ये खेल राज कपूर को एडमायर करने का है, राज कपूर से मोहब्बत करने का है, राज कपूर के काम से श्रद्धा का है, उनके फन से अकीदत का है, तो ये वो खेल है जो कभी खत्म नहीं होगा। राज कपूर हमेशा हमारे साथ रहेंगे, उनकी फिल्में, उनका काम हमेशा हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पसीबा तवारिश। यहाँ हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरात, यानी कि वक्फा, मध्यांतर। ये इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं।